चलो ये कहता है स्मॉल स्पीयर है जिसका रेडियस आर है फॉल फ्रॉम द विस्कस लिक्विड। अब अगर कोई स्पीयर है ठीक है, हमारा जो सिलेबस है उसमें स्पीयर ही गिरता है, ट्रायंगल नहीं गिरेगा, रेक्टेंगल नहीं गिरेगा लिक्विड फ्लूइड में ठीक है, क्योंकि उसके लिए विस्कस फोर्स की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, हमारा जो स्पीयर है उसमें फ्लूइड में हम स्पीयर ही गिराएंगे। अगर एक फ्लूइड है जैसे एयर है ठीक है, कोई भी मान लो फ्लूइड, इसमें अगर एक स्पीयर गिर रहा है तो इस पर एक विस्कस फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर बी। बी केयरफुल ठीक है कि ये सिर्फ स्पीयर के लिए वैलिड है जिसकी रेडियस आर है, ट्रायंगल लगेगा तो उसके लिए नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 6 पाई ईटा आर बी वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर और वी ठीक है उसकी वेलोसिटी है, वी उसकी वेलोसिटी है किसी टाइम, और ईटा जो है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ इज द विस्कस फोर्स, अपोजिट फोर्स एक लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब रेट ऑफ, अब ये पूछ क्या रहा है कि ए द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन इट अटेंड टर्मिनल वेलोसिटी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट याद देना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट डी एच अपॉन डी टी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट जो होता है दैट इज द पावर, या रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन दैट इज द पावर। ठीक है, तो ये जो होता है भाई पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी यार। ठीक है, और हीट भी एनर्जी का फॉर्म ही है तो डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, डी एच अपॉन डी टी, हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ जो पावर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है वो हमें निकालना है। चलो निकाला जाए, पावर जो है वो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट बी, जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगी एफ डॉट बी। अब कॉस प्रोडक्ट थीटा वगैरह भूल जाओ, विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है ये निगेटिव आ जाएगा, और हमें विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई ईटा आर बी, और ये वेलोसिटी भी। अब ये कह रहा है कि जब पावर, जब वेलोसिटी स्पेशल भी हो जाए टर्मिनल वेलोसिटी, हमको पता है कि पढ़ के आए हैं हम लोग कि अगर मैं इसको गिराता हूँ छत के ऊपर से एयर में तो कुछ टाइम बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग से गिराता हूँ तो कॉन्स्टेंट एयर में, वैक्यूम में नहीं यार। ठीक है, वैक्यूम में तो ये एक्सेलरेट करेगा, तो एयर में क्या होगा कुछ टाइम बाद जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड हो जाता है तो उसकी फार्मूला होती है 2 r² g ρ - σ 9 η। अरे बाप रे बाप, नहीं याद है। ठीक है, ये वो स्पेशल वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पे एक्सेलेरेशन बॉडी की जीरो हो जाती है, और एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है। आप इसको फेंक दो, थ्रो कर दो, गिरा दो, कुछ टाइम बाद फ्लूइड में वेलोसिटी अटेंड हो जाती है। ठीक है, उसका आप डिटेल एनालिसिस पढ़े होंगे, तो ये अगर अटेंड हो जाएगी तो इसका ग्राफ भी पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर चढ़ जाएगा, और स्क्वायर चढ़ जाएगा तो रेडियस, रेडियस का एक स्क्वायर चढ़ जाएगा, और रेडियस का एक स्क्वायर लिख दो एक बार। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी बी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर बी स्क्वायर। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर बी स्क्वायर, आर की पावर 4, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू आर की पावर 5। एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से, और बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर आर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगा। मैं आपको समझाने के लिए सारा डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है।